हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट और स्टडी वंस अगेन। इसके पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन पढ़ा रहा था। ट्रांसलेशन में मैं आप लोगों को सेंटेंस की टाइप पढ़ाया, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस पढ़ाया, पूरा टेंस पढ़ाया, मॉडल पढ़ाया, यूज ऑफ स्पेशल वर्ड्स पढ़ा दिया। अब ट्रांसलेशन में 3-4 चैप्टर्स हैं, डिग्री है, कंडीशनल सेंटेंस है, हैबिटल एक्शन है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। तो पहले अब डिग्री में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। डिग्री क्या है? विशेषण की ये विशेष अवस्था है। जिस प्रकार क्रियाओं की अवस्थाएं होती हैं, क्रिया की पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था आप सुने होंगे, जिसे प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, 4 फॉर्म कहा जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। वाक्यों के भाव के अनुसार, वाक्यों की प्रकृति के अनुसार इनमें इनका उपयोग किया जाता है। किस वाक्य में पॉजिटिव डिग्री का उपयोग किया जाएगा, किस वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग किया जाएगा और किस वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया जाएगा विशेषण के, यह निश्चितता नहीं होती है। वाक्य के भाव के अनुसार अगर सामान्य रूप से किसी की कोई विशेषता बताई गई होती है तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। अगर किन्हीं दो लोगों में कोई तुलना की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है, और अगर दो से अधिक लोगों में कोई तुलना की जाती है, किसी को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, तो सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है। इस तरह से आप एक इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि डिग्री क्या है। हाँ, ये जानिए कि प्रत्येक विशेषण की जो 3 डिग्री होती है वो अक्सर तो ER लगा करके कंपरेटिव बनाया जाता, पॉजिटिव डिग्री में ER लगा करके, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST लगा दिया जाता है। जैसे टाल, टालर, टालेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, हाई, हाइयर, हाइएस्ट, इस तरह से होता है। लेकिन जैसे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ज़्यादातर तो ऐसे बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके शब्द ही बदल जाते हैं, जैसे गुड, बेटर, वेस्ट होता है वो, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, स्पेलिंग ही बदल जाती है पूरी, बेल, बेटर, वेस्ट, ठीक। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पहले मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है, जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, ब्यूटीफुल में मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल लगाना पड़ता है। अगली है जैसे अगली, तो अगली, अगलियर, अगलियस्ट, ये होता है, लेकिन ब्यूटीफुल में मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। फेमस शब्द है, फेमस माने प्रसिद्ध, तो मोर फेमस, मोस्ट फेमस। पॉपुलर शब्द है, लोकप्रिय, तो मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर,
इस तरह से बनाया जाता है। आप लोग एक्सीलेंट पब्लिकेशन की ग्रामर की बुक खरीदेंगे तो उसमें ये मिलेगा, जहाँ डिग्री लिखा गया होगा, डिग्री चैप्टर जहाँ होगा वहाँ ये कम से कम 100-200 शब्द जो है उनका पॉजिटिव, कंपरेटिव और सुपरलेटिव तीनों लिखा गया होगा। तो किस वाक्य में पॉजिटिव डिग्री का उपयोग होता है, किस वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग और कैसे होता है, और किस वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग और कैसे होता है, ये चीज़ मुझे आपको डिग्री चैप्टर में पढ़ाना है। डिग्री है क्या? विशेषण की विभिन्न अवस्थाओं को हम डिग्री कहते हैं। डिग्री क्या है? अगर कोई पूछे व्हाट इज डिग्री, आपको कहना चाहिए कि विशेषण की विभिन्न अवस्थाओं को हम डिग्री कहते हैं। ठीक, ये तीन अवस्थाएं होती हैं प्रत्येक विशेषण की, पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आपसे कोई भी जब भी कहीं भी पूछेगा कि डिग्री क्या है, तो आपको यही कहना पड़ेगा कि विशेषण की विभिन्न अवस्थाओं को ही डिग्री कहा जाता है, और प्रत्येक विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, इसलिए डिग्री भी तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का उपयोग कब और कैसे किया जाता है, किन वाक्यों में किया जाता है, ये देखो मैं आप लोगों को ये नोट लिख करके भेजा था, आशा करता हूँ कि आप इसे अपनी कॉपी में लिखे होंगे, और आज इसका वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए हमने लिखा डिग्री, फिर लिखा हमने, हम जानते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव या डिग्री कह विशेषण कहते हैं। प्रत्येक विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की इन विभिन्न अवस्थाओं को ही हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। हिंदी वाक्यों में, हिंदी वाक्यों की स्थिति के अनुसार ही इन अलग अलग अवस्थाओं का उपयोग अलग अलग वाक्यों में निम्नवत होता है। निम्नवत होता है मतलब कि नीचे आपको बताया जाएगा कि किस डिग्री का उपयोग किस तरह के वाक्य में किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो पहला जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू पॉजिटिव डिग्री। देखिए तीन डिग्रियां हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो मैं पॉजिटिव डिग्री आपको बता रहा हूँ, पहले पॉजिटिव पढ़ाऊँगा, तब कंपरेटिव पढ़ाऊँगा, तब सुपरलेटिव पढ़ाऊँगा ना। तो पॉजिटिव डिग्री में देखो हमने लिखा है, यह विशेषण की वह अवस्था है जिसके द्वारा सामान्य रूप से किसी संज्ञा व सर्वनाम की कोई विशेषता बताई जाती है। पॉजिटिव डिग्री क्या है उसकी देखिए परिभाषा में आपको बताया कि विशेषण की वह अवस्था जिसके द्वारा सामान्य रूप से किसी संज्ञा व सर्वनाम की कोई विशेषता बताई जाए उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। देखिए वाक्य में कोई मुख्य क्रिया ना पाई जाए, पॉजिटिव डिग्री का अगर सेंटेंस कोई होता है तो प्रायः उसकी ये पहचान है कि ऐसे वाक्यों में कोई मुख्य क्रिया नहीं पाई जाती है। देखिए हमने लिखा है कि वाक्य में कोई मुख्य क्रिया ना पाई जाए बल्कि सब्जेक्ट का कोई वर्णन ही किया गया हो, कि सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, इस तरह से कोई बात बताई गई हो कि छोटा है कि मोटा है कि गोरा है कि लंबा है कि बुद्धिमान है कि मूर्ख है कि चोर है कि बेईमान है, इस तरह से कोई बात बताई जाए सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय हम सब्जेक्ट के साथ टू बी वर्ब और विशेषण की पॉजिटिव डिग्री का उपयोग करते हुए पूरे वाक्य को नियमानुसार लिख देते हैं। जब कोई मुख्य क्रिया ऐसे वाक्य में नहीं होती है तो इसका मतलब उसमें ना तो किसी मॉडल का उपयोग किया जा सकता है और ना ही किसी टेंस में उसे लिखा जा सकता है।
मॉडल का उपयोग करने के लिए या टेंस का उपयोग करने के लिए वाक्य में मुख्य क्रिया का होना जरूरी होता है। जब वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं होती है तो इसका मतलब हमें अब इसको किसी न किसी टू बी वर्ब की सहायता से वाक्य को लिखना पड़ेगा। टू बी वर्ब आप लोग जानते हैं, इज एम आर वाज वर्ब को टू बी वर्ब कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने पहला वाक्य लिखा है, कालिदास एक महान कवि थे। कालिदास एक महान कवि थे, मतलब कालिदास का वर्णन किया जा रहा है, कालिदास के बारे में कोई बात बताई जा रही है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि कालिदास एक महान कवि थे। सामान्य रूप से कोई तुलना नहीं की जा रही है किसी से। ठीक है, अगर यही वाक्य लिख दिया जाए कि कालिदास जयशंकर प्रसाद से महान कवि थे, तब तो कालिदास और जयशंकर प्रसाद की महानता में तुलना कर दी जाएगी ना, तब वो कंपेरेटिव डिग्री का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, बाद में आपको पढ़ाया जाएगा, अभी यहाँ तुलना नहीं की जा रही है। सामान्य रूप से किसी की विशेषता बताई जा रही, कालिदास की कोई विशेषता बताई जा रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। दूसरा वाक्य हमने लिखा, एकलव्य एक विनम्र शिष्य था। एकलव्य एक विनम्र शिष्य था, एकलव्य की विशेषता बताई जा रही है, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य हुआ। गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा की पवित्रता को बताया जा रहा है, गंगा का वर्णन किया जा रहा है और उसे एक पवित्र नदी कहा जा रहा है, तो गंगा की विशेषता ही तो बताई जा रही है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री का वाक्य हुआ। अगर ये कहा जाए गंगा यमुना से अधिक पवित्र नदी है, तब तो कंपेरेटिव हो जाएगा, तब तुलना की जा रही की जाएगी दो लोगों में ना, वो बाद की बात है, इस हेडिंग के बाद आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि ये सभी इमारतें बहुत ऊंची हैं, तो इमारतों की विशेषता सामान्य रूप से बताई जा रही है, उनकी ऊंचाई को बताया जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हुआ। उसके पिताजी प्रसन्न नहीं थे, तो प्रसन्न नहीं थे मतलब किसी विशेषण को कायम रखने की बात नकारी जा रही है तो पॉजिटिव डिग्री का ही सेंटेंस। ठीक, क्या सभी पुस्तकें सस्ती ही थी, क्या सभी पुस्तकें सस्ती ही थी, पुस्तकों की वैल्यू बताई जा रही है और कोई तुलना नहीं की जा रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य हुआ। क्या सभी मजदूर ताकतवर नहीं हैं, लिखा गया है क्या सभी मजदूर ताकतवर नहीं हैं, मजदूरों के की एक विशेषता पर प्रश्न पूछा जा रहा है, और कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, या सार नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव बना करके पूछा जा रहा है कि क्या सभी मजदूर ताकतवर नहीं थे नहीं हैं। इस तरह से हमने जितना वाक्य लिखा, यहाँ पर देखो आठ वाक्य हमने लिखा है, आठों वाक्यों में कुछ नहीं किया जा रहा, केवल केवल सब्जेक्ट की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, सब्जेक्ट की विशेषता बताई जा रही है और कोई वो वाक्य निगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, मैं हर तरह से वाक्य लिखाऊं तो चलिए अनुवाद किया जाए। जैसे पहला वाक्य देखो, कालिदास एक महान कवि थे, थे मतलब टू बी वर्ब का प्रयोग करना है, तो भूतकाल की बात हो गई, कालिदास सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज लगाया जाएगा। पहले सब्जेक्ट लिख देंगे कालिदास, अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए सब्जेक्ट, फिर वर्ब लिखेंगे वाज, टू बी वर्ब कालिदास वाज, उसके बाद जो विशेषण है उसको जातक संज्ञा सहित लिख दीजिए, क्या थे तो पता चलेगा एक महान कवि, इसकी अंग्रेजी लिख दीजिए, एक महान कवि की अंग्रेजी हो जाएगी अ ग्रेट पोएट, इसका वाक्य ये वाक्य हो गया, इस वाक्य का अनुवाद हो गया कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट, कालिदास एक महान कवि थे। एकलव्य एक विनम्र शिष्य था, जैसे कहा जाए एकलव्य एक विनम्र शिष्य था,
तो पहले एकलव्य के बारे में बताया जा रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट को लिखा जाए, टू बी वर्ब लिखा जाए, फिर एडजेक्टिव लिख दिया जाए, बस एकलव्य लिखेंगे, एकलव्य वाज अ पोलाइट पुपिल, एकलव्य वाज अ पोलाइट पुपिल, पी यू पी आई एल रहेगा ये, पी यू पी आई एल, पोलाइट मतलब विनम्र है, एकलव्य वाज अ पोलाइट पुपिल। गंगा एक पवित्र नदी है, लिखा गया है गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा लिखने से पहले दी लगा देंगे, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध इमारत, विश्व प्रसिद्ध नदी, विश्व प्रसिद्ध जहाज, विश्व प्रसिद्ध अखबार, विश्व प्रसिद्ध ट्रेन, इन सभी का नाम लिखने के पहले दी लगाया जाता है, तो आप लिखेंगे द गंगा, द गंगा इज मतलब है, क्या है, एक पवित्र नदी, उसकी अंग्रेजी लिख दिया अ हॉली रिवर, द गंगा इज अ हॉली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। अगला वाक्य है, ये सभी इमारतें बहुत ऊंची हैं, तो आप लिखेंगे ये सभी इमारतें, ऑल दीज बिल्डिंग्स, ऑल दीज बिल्डिंग्स, ये सभी इमारतें हैं, मतलब इज एम आर में से एक लगाना है, इमारतें बहुवचन है इसलिए आर लगा दिया जाएगा, ऑल दीज बिल्डिंग्स आर, अब हैं तो क्या है, बहुत ऊंची, वेरी हाई, बस लिख दिया ऑल दीज बिल्डिंग्स आर वेरी हाई। अगला वाक्य देखो, उसके पिताजी प्रसन्न नहीं थे, उसके पिताजी प्रसन्न नहीं थे, तो आप लिखेंगे हिज फादर वाज, वाज लगाया जाएगा चूंकि भूतकाल की बात है, हिज फादर सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज लगाया जाएगा, प्लुरल नंबर होता तो वर लगाया जाता, आप लिखेंगे हिज फादर वाज नॉट, निगेटिव है ना तो उचित स्थान पर नॉट लगा लिया जाएगा, हिज फादर वाज नॉट हैप्पी मतलब प्रसन्न, इसका ट्रांसलेशन हो गया हिज फादर वाज नॉट हैप्पी। अगला वाक्य देखो, क्या सभी पुस्तकें सस्ती ही थी, सबसे पहले क्या पाया जा रहा है तो टू बी वर्ब सबसे पहले कर लिया जाएगा, वर ऑल द बुक्स, सभी पुस्तकें बहुवचन है इसलिए वर लगाया जाएगा, वर ऑल द बुक्स सस्ती ही, इवन चीफ हो जाएगा, वर ऑल द बुक्स इवन चीप, चीप मतलब सस्ता। क्या सभी मजदूर ताकतवर नहीं हैं, क्या सभी मजदूर ताकतवर नहीं हैं, ये एस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव है, सबसे पहले क्या पाया जा रहा, बीच में नहीं पाया जा रहा है, तो उसमें प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया था, सहायक क्रियाकर्ता, सहायक क्रियाकर्ता नॉट मुख्य क्रियाकर्म, तो ऐसे वाक्यों में मुख्य क्रिया नहीं होती है तो मुख्य क्रिया को छोड़ दीजिए, मुख्य क्रिया के स्थान पर कुछ ना लिखिए, उसके आगे बढ़ जाइए, बस सिस्टम वही लगाइए, तो सहायक क्रिया हो जाएगी और फिर सब्जेक्ट सभी मजदूर, ऑल द लेबरर्स आर ऑल द लेबरर्स नॉट, और ताकतवर की अंग्रेजी माइटी या पावरफुल, आर ऑल द लेबरर्स नॉट माइटी। अगला सेंटेंस है, यह रास्ता उपयोगी क्यों नहीं है था, यह रास्ता उपयोगी क्यों नहीं था, तो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव बन रहा है, आप भी वैसे ही बनाइए, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव बनाइए, प्रश्न सूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म, मुख्य क्रिया नहीं है तो मुख्य क्रिया ना लिखिए, बस आगे बढ़ जाइए, पहले सब प्रश्न सूचक शब्द लिखेंगे, वाई सहायक क्रिया जो टू बी वर्ब आप लगा रहे हो, था मतलब वाज, दिस रूट मतलब यह मार्ग, यह रास्ता, वाई वाज दिस रूट नॉट, और उपयोगी मतलब यूजफुल, वाई वाज दिस रूट नॉट यूजफुल, यह रास्ता उपयोगी क्यों नहीं था। इस प्रकार ये देखो मैं पॉजिटिव डिग्री के
आठों वाक्य जो आपके पास भेजा था इनका अनुवाद कर दिया, और इस वीडियो को देख करके आप भी समझ करके इन वाक्यों का अनुवाद अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। और आज ही मैं कंपरेटिव डिग्री को लिख करके आपके पास भेजूंगा, उसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और अगली वीडियो में कंपरेटिव डिग्री समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।